हर इवन दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन से ये एमयू का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पेपर है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जो कि कॉमन है ये डिपार्टमेंटल देखिए दो पेपर होंगे सेक्शन ए यानी पेपर फर्स्ट जो कि कॉमन रहेगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स ये कॉमन पेपर है और ये आपका डिपार्टमेंटल वाइज रहेंगे इसमें इंग्लिश है इंग्लिस लैंग्वेज है, हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन अरबिक तमिल कश्मीरी मलयालम तेलुगु पंजाबी परशियन लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट संस्कृत उर्दू फलोसफी फाइन आर्ट्स लिंग्विस्टिक्स तो उनके लिए ये सेक्शन ए जो है वो सबके लिए कॉमन है तो कॉमन पेपर हम लोग देख लेते हैं इसमें पेपर का जो टाइमिंग रहता है वो फोर्टी फाइव मिनट्स हैं वो फोर्टी क्वेश्चन रहते हैं और फोर्टी मार्क्स का रहता है ओके ये नंबर ऑफ बुकलेट्स पेजेस वगैरह जैसे आपको बुकलेट मिले तब ये इस पर नज़र डाल दिया करें आप और ओम आर बेस पर रहेगा क्योंकि सब ये एम सी क्यूज़ है फर्स्ट पेपर तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर आपके एम सी क्यूज़ के रहेंगे ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का कॉमन पेपर है फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन ये सर्किल बन हुआ ये है आपका रेक्टेंगल है ये ट्राइंगल है ये फाइंड आउट द नंबर डेट लाइज इन साइड ऑल द फिगर्स ऑल साइड यानी ऑल फिगर्स में जो आ रहा हो तो वो फोर है ओके okay. देखिए आपका वो सर्किल में भी इंडिकेट हो रहा है ट्राइंगल में भी और रेक्टेंगल में भी तो फोर इसका आंसर भी होगा ओके स्टडी द डाइग्राम बिलो अब ये रेक्ट है सर्किल है, और रेक्टेंगल ट्राइंगल ट्राइंगल क्या इंडिकेट कर रहा है ये वाला ट्राइंगल जो है वुमेन इन विलेज स्क्वायर दिस इस वन ये इंडिकेट कर रहा अनएम्प्लॉयड वुमेन सर्किल इंडिकेट कर रहा एजुकेटेड वूमेन यर्किल में जो है वो पढ़ी लिखी महिलाएं है, हैं औरतें हैं वाट डज लेटर डी रिप्रजेंट तो डी क्या रिप्रजेंट करेगा डी दिस वन तो डी क्या है यानी डी का आ रहा है आपका ट्राइंगल मारा है और रैक्टेंगल मारा है तो ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल है वूमेन इन विलेज ये वूमेन वूमेन है लेकिन ये विलेज में रहती हैं और स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर क्या है अनएम्प्लॉयड वूमेन तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें अनएम्प्लॉयड वूमेन इन विज अनएंप्लॉयड वूमे हैं ये अनएम्प्लॉयड है लेकिन कहां हैं विलेज में है ओके okay, तो बी ऑप्शन सही है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लुक केयरफुली एट एट द सिक्वेंस ऑफ सिम्बल टू फाइंड द पैटर्न एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न इसका आंसर जो रहेगा पॉसिबिलिटी है सी हो इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो नंबर ऑफ ट्रैंगल्स इसमें कितने हैं इस फिगर में देखिए इसकी अगर मैं बात करूँ दिस वन तो एक दो तीन चार पाँच छः छः हो गए और फिर ये सात आठ नौ फिर इस तरह से दस ग्यारह बारह और एक बड़ा वाला तेरह तो कितने होंगे तेरह होंगे ओके फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिंग फिगर्स इसमें ट्राइंगल्स आपको मालूम करने हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो इसमें टोटल जो होंगे वो फिफ्टीन होंगे और आप ल, आ, निकाल के देखिएगा वट इज़ द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलो फिगर इसमें रेक्टेंगल्स कितने हैं तो वन टू थ्री फोर फिर ये यहाँ तक कर लीजिए फाइव सिक्स ये सेवन वन टू थ्री फोर ये फाइव फाइफ ये सिक्स सेवन एट एक पूरा होल वाला क्या नाइन तो इसके नाइन होंगे ये पैसेज दिया हुआ है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम सेवन टू इलेवन The gross domestic product GDP, which measures the dollar value of the final goods and services produced by an economy during a given period, serves as the chief, uh, chief indicator of the economic well being of the United States. The GDP assumes that the economic significance of goods and services lies solely in their price and that these goods and services add to the natural. Well being, not because of any instance value they may possess, but simply because they were produced and bought. Additionally, only those goods and services involved in monetary transactions are included in the GDP. Thus, the GDP ignores the economic utility of such things as a clean environment. कोहेसिव फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इट इज़ देयर फॉर नॉट मेरी क्विडेंट्स सिंस नैशनल पॉलिसीज इन कैपिटलिस्ट एंड नॉन कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक आर एलाइकआर डिपेंडेंट ओ ऑन इंडिकेटर सच एज द जी डी पी डेट अबाउथ द इनवायरमेंट एंड द सोशल स्ट्रक्चर हैव बीन इोडेड इन रिसेंट डेल्स नॉट ओनली डज द जी डी पी मास्क दिस इरोजन इट कैन एक्चुअली पोर्ट्रे इट एन एज एन इकोनॉमिक गेन एन ऑइल स्पॉय ऑफ आ कोस्टल रीजन एड्स टू द जे डी पी बिकॉज इट जनरेट्स कमर्शियल एक्टिविटी इन शॉर्ट द नेशन सेंट्रल मेजर्स ऑफ़ इकोनॉमिक इकोनॉमिक वेलफिंग वर्स लाइक आ कैलकुलेटिंग मशीन डैट एड्स बट कैन नोट सब्ट्रैक्ट अब इसके बीच पर क्वेश्चन हैं द प्राइमरी परपज ऑफ द बेसिज इज टू इसका जो प्राइमरी परपज है वो क्या है तो आई डेट द ग्रोथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी इन हैज़ डिमिनिस्ड द इफेक्टिव ऑफ द जे डी पी एज एन इंडिकेटर ऑफ द नेशन इकोनॉमिक वेलबिंग क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द बेसिस इन द कॉन्टेक्स ऑफ द बेसिस एज द होल So it contributes a distribution of the origins of the GDP. It can be inferred that the author of the passage would agree with which of the following about the economic significance of those goods and services that are included in the GDP. It is more difficult to calculate the economic significance of the goods and services that are not included in the GDP. The comparison of the GDP to a calculating machine serves to do which of the following to indicate that the GDP is better suited to record certain types of monetary transactions than, uh, than others. Passes implies that the nation policies that really heavily on economic indicators such as the GDP tend to dis disregard the economic importance of the environment and social factors that do not. इन्वॉल्व मोनिटरी ट्रांजेक्शंस ट्वेल्थ क्वेश्चन मैनी डिफरेंट अप्रोचेज एंड प्रैक्टिस वर्किंग टूगेदर आर नीडिड टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव राइटिंग प्रोसेस डेट इज कोग्नेटिव साइको सोशल रेटोरिकल दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाई मोर ए टू थाउजेंड यानी डी ऑप्शन ही विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन द आइडिया डेट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एम्पेटिज्म बी ऑप्शन वैन रीज़न फॉर हुमन बिहेवियर आर इन्वेस्टिगेटिंग टू एस एस वाई दे थिंक एंड एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे इट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च ये आपके फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी फोर तक, ये फिफ्टीन से फोर्टी तक जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के बेस पे हैं तो आप स्क्रीन ले लीजिएगा इनका Thank you for watching this video.